आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब शुरुआत हो चुकी है उस पुराने दौर में जाने की, जिसके गीत जब भी आप सुनते हैं यकीन मानिए मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। और ऐसे ही गीतों की श्रृंखला लेकर आता है कार्यक्रम गीत सुहाने। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अंजू। शुरुआत करती हूं एक बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ, और जी हाँ, पहला गीत मेरी पसंद का आप सबके लिए फिल्म मधुमती से। गई पंख निहार
दोस्तों बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम है ढोलक। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म में काम किया था अभिनेता अजीत ने एज ए हीरो और उनकी अभिनेत्री थी मीना शौरी। और इस फिल्म के जो सभी गीत हैं लगभग सभी सुपरहिट रहे थे। और जब मैंने पहली बार इस फिल्म का एक गीत सुना तो यकीन मानिए कि जब शुरुआत हुई गीत की तो ऐसा लगा जैसे वो आवाज लता जी की है, लेकिन सर्च करने पर पता चला कि ये आवाज मराठी गायिका सुप्रसिद्ध गायिका सुलोचना कदम की थी। तो चलिए सुनाती हूँ उसी फिल्म का बहुत ही बेहतरीन गीत और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों बात करेंगे 1958 में आई हिंदी फिल्म कॉमेडी फिल्म दिल्ली का ठग की। इस फिल्म में कलाकार थे किशोर कुमार, नूतन और मदनपुरी। और इसके अलावा इस फिल्म में इफ्तिखार ने भी काम किया था। इस फिल्म का संगीत दिया था रवि ने और इसके गीत लिखे थे एसएच बिहारी और शैलेंद्र ने। इसके अलावा मजरू सुल्तानपुरी को भी इसमें गीत लिखने का श्रेय जाता है। इस फिल्म के सभी गीत बहुत ही मशहूर हुए। जो गीत बहुत ही मशहूर हुआ वो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन एक गीत और था इसमें जैसे कैट माने बिल्ली। इस गीत को बाद में तमिल फिल्म में जिसका नाम था बॉय इन्ना पायन थैलिकम
जो 1960 में बनी थी उसमें लिया गया था। लेकिन अभी जो आपको मैं गीत सुनाऊंगी उसे गाया है खुद किशोर कुमार साहब ने और आशा भोंसले ने। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहां दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा सितारों की महफिल ने करके इशारा सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो करे कोई दिल आरज़ू और क्या ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा रहे साथ जब तक ये बंधन न टूटे तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा दोस्तों अब बात करेंगे उस सन 1960 में आई फिल्म अनुराधा की। ये फिल्म हिंदी भाषा में बनी थी और इसको बनाया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पलराज साहनी लीला नायडू ये इनकी प्रमुख भूमिकाएं थी। इसके अलावा असित सेन और मुखरी भी इसमें अहम रोल में थे। और ये फिल्म इसलिए भी जानी जाती है कि लीला नायडू उस वक्त मिस इंडिया रही थी और ये लीला नायडू की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत उस वक्त दिया था पंडित रविशंकर ने और कहा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा में उनका ये एक रेयर संगीत का शाहकार था। और इसकी जो कहानी थी वो लिखी थी सचिन भौमिक ने। चलिए सुनाते हैं उसी फिल्म का लता मंगेशकर का गाया हुआ ये बहुत ही बेहतरीन गीत। मैं
मैं कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागी मुझी सो गई अखियां, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागी मुझी सो गई अखियां। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियां, मैं तो जागे मुरी सो गई अखियां, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागे मुरी सो गई अखियां। आधा है चंद्रमा रात आधी,
रह न जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। आधी मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। I'm
यकीनन ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक बार जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखी है। अब बात करते हैं सन 1958 में आई हिंदी फिल्म फागुन की। इस फिल्म को निर्देशित किया था विभूति मित्रा ने, लिखा था प्रणव रॉय ने, और इसके प्रमुख कलाकार जैसा कि सभी जानते हैं मधुबाला और भारत भूषण थे, और फिल्म का संगीत दिया था उपेन नैयर ने। और इस फिल्म के जो गीत थे उनमें ज्यादातर सुर आशा भोसले का ही था। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत। पढ़ते थे मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ एक पढ़ते थे मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन पढ़ते थे तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। करते ओ गोरी जरा आंखों से उजाले, ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, करते ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला पर जिस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दो जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। बलिए रुत है बाहर की, बलिए रुत है बाहर की। बलिए रुत है
है बाहर की। अब जाकर हमको पहचानी उनकी नजरें भोली। सबकी घड़ी आ गई मेरे सिंगार की, सोला सिंगार की। नी बलिये रुत है बाहर की, जान गए थे कैसे क्या कब होगा। सुन लो ये सरगम दिल के सितार की, दिल के सितार की। नी बलिये रुत है बाहर की, सुन वे रुत है बाहर की। आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। कहते हैं कि यूं तो हरेक के बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता कि जो जोड़ियां हैं वो ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन देवानंद और मोना के बारे में तो ये बात सच है। और अगर ये सच ना होता तो शायद श्रीमती आनंद कोई और ही होती, मोना नहीं। मोना का असली नाम मोना सिंगा था, लेकिन स्क्रीन पर उनके नाम को जिसने बदला वो थे देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद, और उनका नाम बदला गया कल्पना कार्तिक। उन दिनों टैक्सी ड्राइवर 1954 में उसकी शूटिंग चल रही थी और देव साहब का अलगाव हो चुका था सुरैया से। देव साहब तन्हा थे और दुखी थे, जिंदगी में बहुत सूनापन था, इसे भरा कल्पना कार्तिक ने। वो देव के साथ टैक्सी ड्राइवर की नायिका थी। एक दिन मोना ने ही शादी के लिए उन्हें प्रपोज किया। देव तो मानो पहले से ही तैयार बैठे थे, वो जिंदगी में आए सोनेपन को भरने के लिए बेचैन थे। उन्होंने कहा कि शादी तुरंत और आज ही होगी। शूटिंग के ब्रेक के दौरान दोनों तय समय पर स्टूडियो से बाहर निकले और उनके साथ गवाही के लिए उनके दो विश्वसनीय साथी भी थे। ये लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे, शादी की और वापस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे राज छुपते नहीं हैं। शाम होते होते ही राज भी खुल गया और ये खबर उनके घर पर पहुंची तो उनके पिताजी बहुत नाराज हुए, उन्हें आड़े हाथ लिया, उन्हें याद दिलाया कि वो अतीत में किन किन बातों में फंस चुके थे। तो देव साहब ने उन्हें दिलासा दिया
कि ऐसा कुछ नहीं होगा और यही मेरी सही मायने में जीवन संगनी रहेंगी। तो चलिए सुनते हैं टैक्सी ड्राइवर का ये बहुत ही प्यारा गीत। ओ दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए।
चलिए अब सुनते हैं फिल्म दुनिया ना माने से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में एक गीत जिसका संगीत दिया मदन मोहन ने और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे प्रदीप कुमार और माला सिन्हा। चल रहे हो हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। ये बहक की फिजाएं ये झूमती हवाएं जो छेड़ छेड़ जाए तो दिल मचले। यही तो है जमाने दिलों के अफसाने जो सुने ना सुनाए तो दिल मचले। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो अपनी खुशी से किसी ने जो किसी से किया है कोई वादा तो डर किसका। दिल ही दिया है किसी का क्या लिया है कहे तो कोई लूटा है घर किसका। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो प्यार की अदाएं जमाने को ना भाए वो देख देख जले तो जलने दो। चल रहे हो हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो आखिरी गीत और 2:10 पर हम तुम साथ साथ लेकर फिर हाजिर रहूंगी। अभी होंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।